रामपुर बगिलान जनपद पंचायत के अंतर्गत लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित जमुना ग्राम पंचायत में उद्घोषणा में न्यूज चैनल की टीम वर्तमान विधानसभा चुनाव के दरमियान पब्लिक का रुझान लेने बीसीएस पत्रकारों की टीम पहुंची। इसमें देखते हैं कि पब्लिक का रुझान किस पार्टी की तरफ वर्तमान समय में है। सत्ता पक्ष की पार्टी या फिर परिवर्तन यानी कि कांग्रेस की तरफ जाता है। आइए देखते हैं जमुना पंचायत के ग्रामीण जनता का क्या कुछ कहना है। उद्घोषणा के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर त्रिपाठी के साथ ऋषिकेश त्रिपाठी। हमारे बीच एक युवा खड़े हुए हैं, इनके जो सही जानकारी हो, क्योंकि काफी भाग दौड़ काफी इधर उधर जाते हैं। आप कहाँ के हैं भैया? मैं यही था। क्या नाम आपका? उत्तम सिंह जमुना का। अच्छा, जमुना के हैं। जमुना का ये बताएं कि आज के परिवेश में इस चुनाव माहौल में लोग तरह तरह के प्रलोभन देते तमाम सब करते हैं, पर आज युवा वर्गों को क्या चीज की आवश्यकता है उनका काम आगे उनकी लाइफ सुधार सके? सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश की युवाओं को बेरोजगारी एकदम से चरम पर है। हर युवा को रोजगार चाहिए और सरकार भर्ती निकाल नहीं रही है। जो भी भर्ती निकाल रही है तो उसमें जैसे कि पटवारी भर्ती निकली उसमें भी घोटाला हो गया, पहले भी जो भर्ती निकली उसमें घोटाला हो गया। यहाँ के जो बीजेपी सरकार है 18 सालों से है उसके कि आप पढ़ने लिखने के बाद ठीक है सरकारी उसमें अप्लाई किए नौकरी नहीं मिली, मगर जो यहाँ जनप्रतिनिधि है इतनी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे बच्चों की नियुक्ति होना चाहिए कि ना होना चाहिए? होना चाहिए। पर बच्चे यहाँ से पढ़ाई करने दूसरे स्थान जाए, यहाँ पर लोकल आदमी नहीं मिल पा रहा है, किसकी कमी है उनका विधायक उनका? तो आपके इस जमुना गाँव में कुछ कार्य प्रगति दिखाई देता है इनके 18 वर्षों के कार्यकाल में? धन्यवाद आपके चैनल का जी। हमारे गांव में हमारा गांव एक तरफा वोटर जब रहता है तो रहता है जी, और सत्ता पक्ष में भी रहा जी 5 साल पहले। लेकिन पहले। हमारे गांव में बहुत बड़ी भीषण समस्या है। हमारे गांव से 15 किलोमीटर सिजाटा गांव जी, जी। सिजाटा बघाई मेढ़ी तपा नाक के जमुना लाइट आती है, पूरा दिन परमिट में कटी रहती है। अपने गाँव से 6 किलोमीटर रामपुर बाघेला जी, उस लाइट को वर्तमान के सत्ताधारी लोग जान के गांव को नहीं जोड़ते हैं लाइट। पूरा गांव जो 12 घंटे में लाइट में 4 घंटे कटक वही परमिट में रही जाती, मतलब 18 वर्ष का कार्यकाल आपका विकास नहीं दिखाई दे, 1% भी विकास नहीं हुआ। स्कूल की बाउंड्री स्कूल की नाप नहीं हुई, कोई तालाब का नहीं हुआ, गाँव के अंदर रोड का कहीं भी अलग से सरपंच। संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी, ये ग्राम जमुना में हम लोग पत्रकारों की टीम आज पहुंचे हुए हैं, वर्तमान समय चुनाव चल रहा है, चुनाव संबंध में जनता का रुझान क्या है? यहाँ काफी लोग बैठे हुए तो ये जानते हैं कि सत्ता का रुझान है या कि कांग्रेस का। क्या नाम है आपका? राम कुशल द्विवेदी। द्विवेदी चैनल में हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो वर्तमान समय इस समय चुनाव का चल रहा, हम लोग काफी गाँव शहरों में भ्रमण करते हैं, रुझान अपने चाहिए, इस समय कुछ परिवर्तन की लहर चल रही है, क्या ये सत्यता है या कि वर्तमान सरकार थोड़ा स्पष्ट है? बहुत सही बात है जी। पब्लिक जो है सत्ता परिवर्तन चाहती है जी, क्योंकि बीजेपी का 20 वर्ष का कार्यकाल रहा जी, इसमें हम किसानों का गरीबों का गांवों की कोई भी समस्या का निदान हो नहीं पाया जी, और खासकर हमारा जो जमुना गांव जी, यहाँ पानी की पीने के पानी की सिंचाई की तो बात छोड़िए, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है जी। खेती पानी के बिना यहाँ सूख रही है, हमारे धंधे में घाटा ही जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे टंकी बनी उससे सप्लाई क्या होती है? कोई किसी प्रकार की आज तक टंकियां दो बनी, लेकिन एक बूंद भी पानी आज तक टंकी में नहीं आया, टंकी ध्वस्त हो गई। शिकायत करने के बाद भी हमारे पूर्व विधायक जो यहाँ से थे हर सिंह जी, जल संसाधन मंत्री थे जी जी, उनसे भी कहा गया, लेकिन कोई भी समस्या का निदान नहीं हो पाया। अरे माननीय, एक प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में जो लाली बहना 2 महीने पहले से चल रही है, इसमें कितना फायदा बहनों को होगा? अरे कि इसके पास जो 2 साल पहले ये योजना अगर चलती जी, इस विषय में थोड़ा जानकारी। श्रीमान जी, ये जो योजना है जी, ये सिर्फ लाली पाक, ये वोटर को लुभाने के लिए किया गया है, इससे कोई भी
क्षेत्र का, देश का है कि गांव का, घर के किसी भी सदस्य कोई विकास होने वाला है नहीं, क्योंकि आदमी ये महंगाई और इसे बेरोजगारी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है इससे हम लोगों का, गरीबों का कोई विकास होने वाला है नहीं। अच्छा, आपके आसपास यहाँ काफी फैक्ट्रियां, यहाँ के लड़के पढ़ लिख करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी अगर सरकार बनती है तो कैसे संभव होगा? गांव में रोजगार के नए नए उद्योग, कुटीर उद्योग या अन्य कोई भी ऐसे स्कीम कांग्रेस सरकार दे सकती है, क्योंकि नई सरकार है, नई सोच है, तो इसे क्षेत्र का, गांवों का, अभी रोजगारों का, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनके लिए कुछ न कुछ रोजगार मुहैया कराएगी सरकार, यही उम्मीद की जाती है। अच्छा, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आते हैं? गाँव का नाम जमुना। शिवपाल जी, पूरा नाम बताइए। शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह जी, ये बताइए, आप जमुना गांव में हैं जी, आप जमुना गांव का रुझान वर्तमान में परिवर्तन का है या कि सत्ता पक्ष लेता है? परिवर्तन का है रुझान। परिवर्तन जी, परिवर्तन के लिए क्यों आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी की बनी थी जी, तो जो थोड़ा बड़ा काम किए वो किसान और मजदूर के हित में काम किए। जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग जो पेंसिल वाले हैं उनको 300 रुपए में शिवराज सिंह दे रहे थे, तो कमलनाथ जी 600 रुपए किए, 600 से बढ़ाकर 1000 को बोले थे, करते सरकार रही आती तो होता, गौशाला बनता हमारे, मान लीजिए ट्रांसफार्मर जले हैं, यहाँ ना कोई संसद सुनने वाला ना विधायक सुनने वाला, आज भी पेमेंट मतलब बिल जमा है, आज तक ट्रांसफार्मर लगा नहीं, किसानों की पूरी फसल सूख गई, इसलिए हर व्यक्ति परिवर्तन में जा रहा। चलिए, क्या भैया आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, एक प्रश्न ये उठ रहा है कि राम राज, जो भाजपा कहती है राम राज, ट्रेन में सरकार